तो यार क्या जबरदस्त सीनिक ब्यूटी है, देख सकते हो। और उससे भी ज्यादा सुंदर तो हमें ये लगता है उत्तराखंड का जो सबसे सुंदर मंदिर है, माता का, माँ धारी देवी का मंदिर। और मैं पता है क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी ना वही सिस्टम शुरू हो गया है, मतलब इसको कमर्शलाइज किया जा रहा है। बोटिंग भी यहाँ पे शुरू हो गई, जैसे टीरी झील में, टीरी लेक में हम देखते हैं। साथ में यहाँ पे घोड़े वगैरह, छोटे छोटे घोड़े भी घूम रहे हैं कि हॉर्स राइडिंग वगैरह कराई जाए। बीच बन गया, वो देखिए वो चल पड़ी सामने ये, तो भी एक्सप्लोर करते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल पर देवभूमि उत्तराखंड की एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। दोस्तों मैं हूं इस वक्त जो उत्तराखंड की सबसे जागृत देवी है धारी देवी, वहां पे मैं खड़ा हूं धारी देवी के दर्शन कराने। और नजारा देखिए कितना जबरदस्त हो रहा है। तो सामने की घाटी देखिए कितनी सुंदर है, ये सीधी दिख रही है, ये अलकनंदा है, और बोटिंग भी आपको दिख रही होगी होते हुए। तो अभी चलते हैं मंदिर की तरफ, जल्दी से मंदिर के हम दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ तक मैं अपनी बाइक ले आया, देखिए ये कच्चे रास्ते से, और इससे पहले जितनी वीडियो बनाता था ऊपर से बनाता था, तो प्रसाद वगैरह सब मैंने अपना ले ही लिया। अच्छा लगता है जो घाटी के बीच में ना घंटी घड़ियाल की आवाज जो बजती है ना, ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो शूज़ वगैरह यहाँ पे उतार लेते हैं, यहाँ पे बन गया स्टॉल, यहाँ पे अपने शूज़ वगैरह खोल लो। तो एक रास्ता तो यही आता है जो मार्केट से आता है ना ऊपर हाईवे से, पहले वीडियो मैंने आपको दिखाया ये रास्ता ऊपर सीधा हाईवे से आता है नीचे की तरफ, दूसरे रास्ते से जो मैं मोटरेबल तो नहीं है पर उससे आप ज़बरदस्ती बना सकते हो। और पहुँच गए माँ धारी देवी मंदिर पे। तो इसलिए तो इसे सबसे ज़्यादा खूबसूरत मंदिर माना जाता है उत्तराखंड की। ये देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ऐसे ब्रिज पे चलते हुए जाना है, और इस वक्त हम अलकनंदा पे हैं। अलकनंदा जो कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी और ताकतवर नदी है, उसके ऊपर ऐसे चलते हुए जाना है। और यहाँ पे लिखे रहते हैं साइड में मंत्र वगैरह माँ देवी के जितने भी हैं, साइड में आपको जाला दिख रहा होगा। अभी तो नीचे बीच है, वरना मानसून में पूरा पानी चलता है यहाँ पर ना नीचे बहुत ज़्यादा। पहले ये वाला मंदिर था, आपको पता है जो टेम्परेरी मंदिर था वो ये बनाया गया था, क्योंकि जो 2013 की आपदा आई थी उसमें मंदिर बह गया था, और मंदिर जो मेन मंदिर था वो नीचे की तरफ जड़ में था, जो नीचे की तरफ मतलब वो बह गया था मंदिर। फिर यहाँ पे टीन का एक मंदिर बनाया गया, उसके बाद दोबारा इस मंदिर को स्थापित किया गया था पिछले साल, जो अब दिख रहा है अभी ये मेन मंदिर बन चुका है यहाँ पर। तो अभी मैं इसके दर्शन और कराता हूँ आपको। तो पीछे बड़ा सुंदर सा रेड और गोल्डन यहाँ पे शेड दे रखी है मंदिर की, और थोड़ा वुडन वर्क भी है। अब इसी मंदिर में ऊपर चलते हैं, यहाँ से ये जाता है सीढ़ी का रास्ता, इससे होते हुए भी हम मंदिर पे पहुँचते हैं। देखिए अभी ज़्यादा भीड़ है नहीं, पर नवरात्रि में बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होती है, और जैसे ही मतलब कपाट वगैरह खुल जाते हैं चारों धाम के, तब तो यहाँ पे माना जाता है कि बिना धारी देवी की यात्रा करें आपके चार धाम पूरे नहीं माने जाते, कंप्लीट नहीं माने जाते। तो अभी इसी की तरफ हम चल रहे हैं होते हुए। दर्शन कराऊंगा, पर ये देखिए कितना सुंदर वुडन वर्क है यहाँ पर, दिख रहा है पूरा लकड़ी का दे रखा है, क्योंकि प्राचीन हमारे, मैंने बोला ना जो उत्तराखंड का जो हेरिटेज होते हैं वो लकड़ी के बहुत अच्छा वर्क होता था। यहाँ पे मकानों में बर्फबारी होती थी तो लकड़ी से एक अलग है वुडन, तो यहाँ पे पूरा वुडन की तरह दिया है, तो इसको वही रूप दिया गया है माँ धारी देवी को यहाँ पर। ये दोस्तों मंदिर के दर्शन, अब तो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, पहले तो हो जाती थी जो टेम्परेरी मंदिर था, अब नए मंदिर में नहीं अलाउ है, पर अच्छे से दर्शन हो गए, बहुत अच्छा है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है, आपको पता होगा कि यहाँ पर माँ धारी देवी 3 बार अपना रूप बदलती हैं। सुबह ये एक बच्ची होती हैं, दोपहर में एक ये युवती हो जाती हैं, और रात होते मतलब शाम में ये एक वृद्धावस्था ले लेती हैं। तो 3 बार मूर्ति अपना रूप बदलती है, तो एक चमत्कार है यहाँ पर। और आपको तो पता ही होगा कि माँ धारी देवी के बारे में कहा जाता है कि इनके क्रोध की वजह से ही ना जो केदारनाथ आपदा है वो आई थी। चमत्कार से भरी हुई ये भूमि है। अब यहाँ पे और आगे आपको मैं दिखा दूँ,
तो ये देखिए ये यहाँ पे यज्ञशाला है। और अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ, ये बीच बन गया, ये बीच टेम्परेरी बीच है, ये अलकनंदा का बीच बन जाता है जब जल वाटर लेवल कम हो जाता है ना, तब इसको बना दिया जाता है। देखो मैंने कहा ये भी आपको दिखा दिया जाए, कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे कई कई फीट पानी रहता है, पर अभी बहुत है ही नहीं, अभी तो पानी है ही नहीं क्योंकि सर्दियों में ये तो कम होता है, दिख रहा होगा अभी। देखो और क्या नज़ारा है, पीछे काले काले बादलों के बीच में ना धारी देवी का मंदिर, अल्टीमेट एकदम।